गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद डायमंड डोर। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। एज यू नो दैट वी आर कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडी विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद ऑल द केस स्टडी राइट। एंड नाउ वी आर द चैप्टर 5 और हम उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर चुके हैं विद ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द केस स्टडी। केस स्टडी भी साथ साथ कराई गई है हर कॉन्सेप्ट के साथ, सो दैट आपको इनिशियल स्टेजेस पे ही क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में राइट। और अभी हम लोग जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे इन डिटेल में राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो सब नेम से ही पता चल रहा है और आपने बहुत सुना भी होगा फॉर्मल वेयरिंग, ठीक है ना, फॉर्मल प्लेस, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे आप हर सुबह जाते हो, दैट इज़ योर स्कूल। इट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली बनाया गया है फॉर पर्टिकुलर पर्पस राइट। और इनफॉर्मल जैसे कि आपकी स्टूडेंट की गैदरिंग होती है, जो आप आपस में दोस्त मिलके यू नो पार्टी शादी करने लग जाते हो, दैट इज़ इनफॉर्मल। कोई क्लब है, दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहाँ पे मतलब अनइंटेंशनली बनाया गया वो खुद ही बन जाता है। जैसे कि क्लास में जो आप लोगों की फ्रेंड्स की चिटचैट होती है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल गैदरिंग, ठीक है ना। वो अनइंटेंशनली क्रिएट हो जाती है, इसका कोई इंटेंशन नहीं होता राइट। तो हम इसका बुकिश डेफिनेशन समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। इसके अंदर जो वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग वो प्रॉपर तरीके से मैंशन होता है, मतलब हु हैव टू रिपोर्ट टू हुम राइट। एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी टू अचीव द गोल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है राइट। और हर जो भी मेम्बर्स इसके अंदर होते हैं, दे नीड टू फॉलो सम रूल्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन राइट। सो लेट्स डिस्कस दी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल जैसा कि नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नेम से पता चलता है कि कुछ भी जो फॉर्मल ना हो राइट। तो हम उसे बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है दैट इंटरेक्शन अमंग द पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय, ठीक है ना। एम्प्लॉय के अंदर एक सोशल रिलेशनशिप जाग जाता है, ठीक है ना, इन द वर्किंग कंडीशन, इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ग्रुप ऑफ आप लोगों का कुछ ग्रुप होगा ना फ्रेंड्स का, ठीक है, दैट इज़ द इनफॉर्मल वन राइट। स्कूल तो एक फॉर्मल है बट उसके अंदर, तो उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक फॉर्मल होता है बिकॉज उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, उससे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। बट अंदर जाके, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ का आपस में जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो आपस में वो लोग बात करते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग अपने काम की बात नहीं करते, ठीक है। जैसे कि लंच टाइम में दे डेफिनेटली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट दी यू नो प्रोफेशनल मैटर्स, इंस्टेड दे टॉक अबाउट दी पर्सनल मैटर, ठीक है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन राइट। अभी हम इसका डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ बोथ इनफॉर्मल एंड और फॉर्मल, सो दैट हमको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फॉर बोथ दी कॉन्सेप्ट राइट। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग तो आपको जो ऊपर वाले डेफिनेशन में मैंने बताया ना वही लिखना है राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉय। तो ये सोशल इंटरेक्शन में बेस्ड होता है कि सोशल इंटरेक्शन में नहीं बेस्ड होता, ये नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन टास्क के लिए होता है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ओरिजिन कब स्टार्ट होता है, अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। ये रूल्स एंड पॉलिसीज की वजह से होता है, ये सोशल इंटरेक्शन अगर होता है आपस में, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ का, तो उसकी वजह से जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट अथॉरिटी अराइजेज बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजिशन इन द मैनेजमेंट, येस, ठीक है ना। जब एक मैनेजमेंट का पोजिशन का वर्चस्व होता है, मतलब जब वो लोग आते हैं तभी हम लोगों की इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज रहते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म रहता है, यहाँ पे पर्सनलिज्म रहता है राइट। तो उस केस में अथॉरिटी आपको देखना पड़ता है, इस केस में अथॉरिटी रहता है, इस केस में इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है कि आप पर्सनल मैटर में किसी को यू नो कमांड दे सको राइट। नेक्स्ट इज़ दैट बिहेवियर, तो यहाँ पे रूल्स के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, यहाँ पे कोई भी मतलब बिहेवियर का पैटर्न नहीं रहता, कोई किसी से कैसे भी बात करता है जैसे जिसकी दोस्ती रहती है, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द स्केलरजन, येस, हमने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्केलरजन, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है राइट। यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जिसको जिससे बात करनी कर ले, हम क्या कर सकते हैं राइट। नेचर रिजिड होता है, इधर फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप मैनेजर्स आर द लीडर, ठीक है, येस, मैनेज
मैनेजर्स आपके लीडर हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, जैसा वो कहेंगे वैसा करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब लीडर्स क्या ही होता है, लीडर्स एक ग्रुप के अंदर होता है नॉर्मली एक लीडर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर लीडर है ग्रुप है तो फॉर्मल, फिर वो उसका इनफॉर्मल रहने का क्या मतलब है। तो मे और मे नॉट दोनों हो सकते, तो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। और जनरली नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि यू नो फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मेरे लीडर हो या मैं आपके लीडर, तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यू नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आपको इससे इसके फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैंने फीचर अलग से यू नो कवर नहीं करवाए हैं बिकॉज देयर इज़ नो नीड, क्योंकि यही इसके बेसिकली फीचर्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को मिला के ही फीचर्स बनते हैं, राइट, किसी भी टॉपिक का। तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस दैट इज लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफाइंड होता है, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर नहीं सकता, राइट। क्लैरिटी ऑफ रोल्स, येस, यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ रोल्स रहती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, आपका ये काम है, दैट मीन्स आपके रोल्स भी क्लियर है कि आपका ये काम है, राइट। देयर इज नो एम्बिग्युटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले द ड्यूटीज इन स्पेसिफाइड, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी नहीं रहते। यूनिटी ऑफ कमांड रहता है, वो कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान है जिसकी सबको बात माननी है, अभी हमने पढ़ा ना मैनेजर्स द लीडर, तो एक ही मैनेजर रहता है जिसकी हमें बात माननी पड़ती है, ठीक है। इज मेंटेन थ्रू द एस्टैब्लिश द चेन ऑफ कमांड, इफेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ऑफ कोर्स जब सब कुछ इतना अच्छा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, तो आप इजिली से अपना गोल अचीव कर सकते हैं, राइट। टू इट लेड टू द इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, येस, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ठीक है, किसी को अपने यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं दिलानी पड़ती, सबको पता है इसको क्या काम करना है, राइट। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड, राइट। अब इसकी लिमिटेशन समझ लेते हैं, फर्स्ट इज दैट प्रोसीजरल डिलेज, यस, ठीक है, जैसे कि क्योंकि स्केलर चेन मेंटेन्ड है, सो ठीक है, तो पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मिडल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद लोअर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद वर्कर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा डिले है, क्योंकि हमें तो हायरार्की से चलना है, रूल से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मे लीड टू प्रोसीजरल डिलेज, एस्टैब्लिश चेन ऑफ द कमांड, राइट। इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ द क्रिएटिविटी, येस, क्रिएटिविटी को तो बिल्कुल भी कोई कोई भी मान सम्मान नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज जो भी लोएस्ट वर्कर्स होते हैं दे हैव टू लिसन द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही काम होगा, राइट। पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में लीड टू द प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू द क्रिएटिव टैलेंट एंड इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम द रिजिड लेट डाउन पॉलिसीज। लिमिटेड स्कोप, येस, लिमिटेड स्कोप इस केस में है दैट कि अगर हम लोग अगर इतना रिजिड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है बिजनेस को चलाना, ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट अगर हम लोग इतना रिजिड रहेंगे, छोटे वर्कर को सुनेंगे नहीं, आखिर वो भी तो पढ़कर आए, उनके पास भी दे हैव ऑल्सो हैव देयर ओन क्रिएटिव माइंड, ठीक है ना, और अगर बाई चांस उनका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा निकला तो, ठीक है, तो और हम लोग पुरानी यू नो पुरानी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस में ये लिमिटेड इन स्कोप है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एंड इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हमने सिर्फ बता दिया कि तेरा काम ये है, ठीक है ना, अब आपका यही काम रहेगा, अब इसके सिवा आप कुछ और नहीं कर सकते, मे बी वो बंदा किसी और में अच्छा हो, ठीक है, तो इस केस में लिमिटेड इन स्कोप है, राइट। तो हम फटाफट ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यही टॉपिक रह गया है इस पूरी वीडियो में, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एक ही वीडियो में कवर कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो पहले तो स्पीड, येस, यहाँ पे आराम से कम्युनिकेशन है, वहाँ पे प्रोसीजर डिले था, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, सोचना नहीं है ना कि तेरे को मतलब यू नो एक हमको एक स्केल चेन नहीं मेंटेन करना कि हमको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, हम ए से डी भी जा सकते हैं, तो स्पीड ही रहता है थोड़ा, राइट। और इसमें लिखा हुआ फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड्स, येस, हमेशा जो भी इंसान होता है वहाँ पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमेशा सिर्फ पैसों की तकलीफ नहीं होती, कई बार कुछ इमोशनल नीड्स भी होती हैं, ठीक है, जिन्हें पूरा करने, मतलब जैसे कि आप जितना भी हम कमा लें, ठीक है ना, सबके एक ना एक कोई ना कोई दोस्त रहता है, ठीक है, जिससे हम थोड़ी कैसी बातें कर लेते हैं, अच्छी है बुरी है, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोशल नीड की भी फुलफिलमेंट कर रहे हैं, राइट। फिल इनएडिक्वेसीज ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर, तो जितने भी लिमिटेशंस थे उनको पूरा कर रहे हैं, जैसे वो टोटली इग्नोर कर देते हैं ह्यूमन रिलेशन को, मतलब ह्यूमन को तो टोटली इग्नोर कर दिया, मतलब ह्यूमन को क्या समझ रखा है, मशीन, ठीक है, इन केस ऑफ द फॉर्मल, बट इन फॉर्मल के अंदर वो ह्यूमन को ह्यूमन समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, दो जब बातें करना होता है तो भी बोलना ही होता है, बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, एक थेरेपी की तरह काम करता है, राइट। तो इसमें वही लिखा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय कॉम्पेंसेटिंग द इनएडिक्वेसी इन द फॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इसके डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। डिसरप्टिव फोर्स, यस, मतलब बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव हो जाता है, बिकॉज क्या है, रूमर्स फैलते हैं, इनफॉर्मल रहता ना तो रूमर्स। अब हमें पता ही नहीं, कोई बात चलती हुई आ रही है, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, अब कोई बात है फैल गई है, पता ही नहीं किसने कहा, वहाँ से वो जो बात है वो ओरिजिनेट कब हुआ, कहाँ से हुआ, पता ही नहीं चलता हमको, तो र्यूमर्स वगैरह फैल जाते हैं। इस केस में क्या होता है, डिसरप्टिव फोर्स हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। इस केस इसीलिए जो कंपनीज होती है वो अवॉइड करती है इनफॉर्मल, क्योंकि दो लोग जब यू नो बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और उल्टा ही आता है, पता नहीं क्यों सीधा कुछ नहीं कोई सोचता है, राइट। नेक्स्ट इज दैट रेजिस्टेंट टू चेंज, यस, बहुत मुश्किल है रेजिस्टेंट टू चेंज, और अगर हमने इनफॉर्मल रख दिया ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए सब लोग फॉर्मल रखते हैं। और यहाँ पे इसका डिसएडवांटेजेस है दैट द मैनेजर मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज दैम। ठीक है, अगर हम लोगों ने सोच लिया ना, मतलब अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर कोई डिसीजन लिया गया टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतने खुल गए हैं कि उन्हें मना करने का हक मिल जाता है, राइट। लेकिन फॉर्मल में ऐसा तो नहीं ना, हमें पता है कि जैसा जैसे टॉप मैनेजमेंट बोलेगा वैसा ऐसा करते जाना, तो उसमें अपोजिशन की बात ही नहीं उठती, बट इस केस में हो सकती है। ठीक है, अब मैं अगर कोई एग्जांपल दूं तो आपका भी तो आपस में कुछ ग्रुप्स का कोई मतलब मेंबर होंगे, ठीक है, आपस में उनकी दोस्ती होगी, राइट। तो आपके जैसे मान लो 5 फ्रेंड्स हैं, तो वो आपस में ज़रूरी ये नहीं है कि एक बंदा जो बोल देगा वो सारों के चारों मानेंगे, इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। कोई ना कोई उसके अंदर बंदा ज़रूर अपोज कर देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अथॉरिटी है, वो इतना इनफॉर्मल है कि उनके पास इतना हक हो जाता है कि वो आपकी बातों को अपोज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज देयर प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। जब एक बात लंच के अंदर आप हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट, कोई बात करता है क्या ऑफिस के बारे में कि हाँ उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था, लेट्स वर्क ऑन दैट, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। तो इसमें वही लिखा हुआ है, इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म द ग्रुप एक्सपेक्टेशन एंड इट कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसी तरह चलता रहा, क्योंकि फिर पता आदत पड़ जाती है, फिर काम करने में मन नहीं लगता, फिर हम लोग चैटिंग पे लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, दो वो इररिलेवेंट होता है, बट फिर भी, राइट। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट, और ये हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल का पूरा मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस स्टडी करेंगे, राइट। अब तक के लिए आपको अच्छे से इन्हें पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है, राइट। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।